हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, अगेन बहुत ही प्यारा साड़ी हॉल होने वाला है। आज के हॉल में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारी प्यारी साड़ी शेयर करने वाली हूं। उसमें कुछ ज्वेलरी भी होने वाली है। सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ये साड़ी होने वाली है अमेजोन से और अमेजोन पे चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जिसमें बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है किसी भी चीज़ को बाय करने का। तो ये जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो 50-90% इन सभी साड़ियों पे, सभी ज्वेलरी पे इस टाइम चल रहा है। तो अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं अपनी फर्स्ट साड़ी। तो आप लोगों को पता होगा, अभी कुछ ही टाइम पहले आलिया भट्ट की एक साड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई थी। वो है ये साड़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में अमेजोन पे दिखी। तो मुझे लगा कि ये मैं ट्राई करती हूँ। और मैंने सोचा नहीं था कि इसकी अच्छी इतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी जितनी अच्छी मुझे मिली है। बहुत ही अच्छा जॉर्जेट फैब्रिक है इसका, और मतलब फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड सेम जिस तरह की आलिया भट्टे पहनी हुई थी उसी तरह की ये साड़ी है। बहुत ही सिंपल सोवर सी है, लेकिन अच्छे से जब आप इसको वियर करोगे तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप देखो, शेडेड साड़ी है एंड बहुत ही प्यारी सी है। लाइक आप गर्ल हो तब भी पहन सकते हो एंड वुमेन हो तब भी पहन सकते हो। बहुत ही प्यारा सा लुक देगी ये ना। 3 शेड में है। ऐसे आप देखोगे ऊपर ये वाला शेड है और बीच में ये वाला शेड है और नीचे इस तरह से पिंक वाला शेड है। तो बहुत ही प्यारा सा लुक इसके साथ आने वाला है। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, मतलब सिंपल सी है, बट जब आप अच्छे से वेयर करोगे बहुत ही अच्छा सा लुक इसके साथ मिलेगा। एंड पूरी साड़ी पे आप देखोगे ना, ये ना लेस लगी हुई है, सेम इसी तरह की लेस उस साड़ी पे दिख रही थी। तो ये बिल्कुल कॉपी है उस साड़ी की एंड बहुत ही प्यारा सा पीस है। एकदम अगर आपको उसी तरह का लुक क्रिएट करना है तो बहुत ही कम प्राइस में आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हो। साथ में क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल साड़ी पे यही बॉर्डर मिलेगा, जॉर्जेट फैब्रिक में है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक बहुत ही प्यारा सा पीस है। इसका जो ब्लाउज मिलेगा वो इस कलर में मिलेगा, जो कि सिल्क वाले फैब्रिक में है। 80 सेंटीमीटर ये ब्लाउज का पीस है, जिससे आप चाहो तो ब्लाउज बनवा सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो अपने पास अगर कोई भी आपके पास ब्लाउज है तो उससे मैचिंग वाला वो भी वेयर कर सकते हो। बट आलिया भट्ट ने जो है कुछ इसी तरह का ब्लाउज पहना हुआ था, तो ये इसी तरह का ब्लाउज दिया हुआ है, आप इसको भी स्टिच करा सकते हो। बहुत ही प्यारा सा पीस है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमने साड़ी रखी है, ये भी बहुत सिंपल सी बट बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। जो फैब्रिक है वो है साटन फैब्रिक, बहुत ही प्यारा सा है। ये जो साड़ी है ना, ये बहुत डिफरेंट सी एंड बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। ये ब्लैक एंड वाइट में ना मुझे पर्सनली बहुत ही प्यारी लगती हैं साड़ियाँ, तो ये कुछ इस तरह की साड़ी है। ये पूरी साड़ी आपको इस तरह की शेडेड में मिलेगी, इस तरह से टाई एंड डाई टाइप का वर्क होता है ना वो है। एंड वेलवेट में भी बहुत डिफरेंट सा फैब्रिक है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड इस साड़ी को जब आप वेयर करोगे ना, ये बहुत अच्छा लुक देगी। इसको आप इसके ब्लाउज के साथ भी वेयर कर सकते हो, नहीं तो आप वेलवेट का कोई भी प्लेन ब्लैक ब्लाउज है आपके पास साथ पास उसके साथ वेयर कीजिए, क्रॉप टॉप के साथ वेयर कीजिए, बहुत अच्छा लुक देगी। एंड अगर आपके पास फुल स्लीव्स ब्लाउज है ना वेलवेट का, तो इस विंटर में ये बहुत ही प्यारा सा लुक आपको देगी, साथ में ठंड से भी बचाएगी। किसी भी तरह से आप इसको पहन सकते हो, बहुत अच्छी लगने वाली है। और आगे जाके इसका जो पल्लू पोर्शन है ना, इस पे आप देखोगे ये इस तरह का शेड है। तो वहाँ तो ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह का कलर आ गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। ऑरेंज शेड आने की वजह से ये इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड ये पल्लू पोर्शन है इस तरह का, तो इससे ना एक डिफरेंट सा लुक क्रिएट हो गया है। बहुत ही प्यारी लगेगी साड़ी जब आप इस साड़ी को वेयर करोगे, एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में ये साड़ी है। इसका जो ब्लाउज का फैब्रिक मिलेगा, सेम फैब्रिक में अंदर के साइड दिया हुआ है, पल्लू पोर्शन के साइड सॉरी। और ये जो है एक 90 सेंटीमीटर के आसपास है, इसीलिए आपका ब्लाउज बन जाएगा। आप चाहो तो बनवा सकते हो, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड अगर आपके पास कोई प्लेन ब्लैक ब्लाउज पड़ा है तो उसके साथ भी आप इसको वेयर कर सकते हो, ये भी एक प्यारा सा पीस है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारी साड़ी है वो है ये भी काफ़ी प्यारी सी साड़ी है। ये भी साटन पट्टी में है, सिंपल सी साड़ी है जिसको आप किसी भी तरह से वेयर कर सकते हो। ये जो साड़ी आपको मिलेगी, ये ओवरऑल साड़ी आपको इसी तरह की मिलने वाली है, कुछ इस तरह की। मैं आपको दिखा देती, इसमें ना इस तरह की साटन पट्टी आ रही है, ये इस तरह की चौड़ी चौड़ी साटिन पट्टी है। और बीच में आप देखोगे ये नॉर्मल फैब्रिक की लाइनिंग है, और इस पर सिल्वर कलर की लाइनिंग है, कुछ इस तरह की। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है,
इस तरह से ये साड़ी मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। इसका कलर जो गोल्डन रोज वाला कलर होता है ना, रोज गोल्ड, वो वाला कलर है इसका, बहुत ही प्यारा सा। इस तरह की साड़ियां पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक देती हैं। तो ये ओवरऑल साड़ी इसी तरह की है, इस पर कोई भी बॉर्डर या फिर इसके मतलब पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल सी साड़ी है। बट ये वेयर करने के बाद इस तरह की साड़ियां बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। इसकी लेंथ 5 to 6 meters की अप्रॉक्स है, तो काफी अच्छी लेंथ भी इसकी दी हुई है। ये भी काफी प्यारी सी साड़ी है। इसका जो ब्लाउज आपको मिलेगा कुछ इस तरह का, जो 80 cm है एंड गोल्डन कलर के सीक्वेंस वर्क हो रखा है, जरी का वर्क इस तरह का मिलेगा, जो कि आप इजीली बनवा सकते हो। बहुत ही अच्छा 80 cm है, सिल्क वाला फैब्रिक है, इजीली आपका ब्लाउज इसमें बन जाएगा। ये भी बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, तो ब्लाउज बनने के बाद बहुत अच्छी लगेगी, एक हाईली रिकमेंड पीस है। नेक्स्ट जो हमारी साड़ी है वो है ये, बहुत ही प्यारी सी, ये वेयर करने के बाद बहुत अच्छी लगती है। आप इसको इसके ब्लाउज के साथ भी वेयर कर सकते हो एंड कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ वेयर कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए लेकिन आपको अच्छा सा लुक चाहिए, तो ये साड़ी बहुत ही प्यारी सी है। इस पे जो ये स्टोन वर्क है ना, ये आपको बहुत ही अच्छा लुक देता है। ये आप देखो, पूरी साड़ी पे रियल एंड फॉल्स स्टोन का दोनों का वर्क है, एंड आप देखो कितनी प्यारी लग रही है। आप इसको इसके ब्लाउज के साथ भी वेयर कर सकते हो एंड कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ भी वेयर कर सकते हो, बहुत ही प्यारी लगने वाली है। बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, मुझे पर्सनली ये साड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई। किसी भी पार्टी फंक्शन में भी आप इसको पहन सकते हो, अच्छे से ज्वेलरी वगैरह के साथ जब वेयर करोगे तो ये बहुत ही प्यारी सी लगेगी। इस पे ना आप देखोगे, ये तो बीच बीच में तो जो लगे हुए हैं, ये है फोर्स स्टोन जो सिल्वर कलर के आते हैं 3-3 के, उसमें करके इस तरह से पूरी साड़ी पे लगाए गए। इसका जो फैब्रिक है वो सीफॉन फैब्रिक है साड़ी का, बट बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे आप देखोगे, ये ऊपर से ना पट्टी लगा के ये बॉर्डर बनाया गया है, जिसपे आप देखोगे ये जो है गोल्डन वाले ये तो है रियल स्टोन, और ये जो सिल्वर वाले हैं ये फॉल्स स्टोन है। कुछ इस तरह से ये बॉर्डर बनाया गया, आप देखो नाइट में कितना प्यारा लगने वाला है। ये साड़ी पहनने के बाद नाइट में बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी। तो ये साड़ी ना काफी अच्छी है, किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए आप ले सकते हो। ओवरऑल साड़ी पे यही बॉर्डर मिलेगा, कलर ऑप्शन इसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप कोई भी कलर ले सकते हो। मुझे ये कलर काफी अच्छा लगा था, इसमें और भी बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे। ऐसे आप देखोगे पूरी पल्लू पोर्शन के साइड भी यही बॉर्डर है, और ओवरऑल साड़ी इसी तरह की है, काफी प्यारी सी साड़ी है। एंड इसको कंट्रास्ट ब्लाउज के साथ वेयर करोगे तो और ज्यादा प्यारी लगेगी, और इसके ब्लाउज के साथ भी आप बनवा सकते हो। इसका जो ब्लाउज है वो इसमें अंदर की साइड अटैच करा गया है, ये है सिल्क वाले फैब्रिक में, 80 cm फैब्रिक है, और इस पे ये स्टोन वर्क भी हो रखा है, जो कि आप स्लीव्स पे या बैक पे लगवा सकते हो, इतना स्टोन वर्क है ये इतना। और इसके साथ मिलती है ये बेल्ट, जो कि साड़ी को और अच्छा लुक देती है। पूरे पे ये स्टोन वर्क हो रखा है, और इस तरह से अच्छे से ये बेल्ट बनाई गई है, जो कि साड़ी वेयर करने के बाद एक डिफरेंट सा ही लुक साड़ी को दे देगी। तो ये साड़ी भी हाईली रिकमेंड है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। अब मैंने मंगाई है 2 jewelry, वेडिंग की बात हो और हम ज्वेलरी ना पहने, क्योंकि ऐसी ज्वेलरी मैंने मंगाई है जो कि आपकी मैक्सिमम साड़ियों पे चल जाए। लाइक कलरफुल ज्वेलरी अगर हम लेते हैं ना, तो उसके साथ इश्यू होता है कि हम उसी साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं या फिर कुछ कलर किसी कलर के साथ नहीं अच्छे लगते हैं। तो अभी जो मैंने ज्वेलरी मंगाई है वो ऐसी ज्वेलरी है, दोनों ही नेक पीस है चोकर टाइप में, जो कि आप किसी भी साड़ी के साथ वेयर कर सकते हो। ये मोती एंड स्टोन का वर्क है, फर्स्ट नेक पीस है ये आप देखो, बहुत ही प्यारा सा है। लाइक एक नेक पीस ना आपकी इतनी साड़ियों के साथ चल जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आप मतलब कौन सा पहनो। जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो ये आप पहन सकते हो, बहुत ही प्यारा सा नेक पीस है एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। आई थिंक 300 के अप्रॉक्स इसका प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही बेस्ट पीस है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरह का पीस। इसमें मोती वर्क ये हो रखा है, ये मोती है, यहाँ भी मोती है, एंड इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ये पास से आप देखो कितनी अच्छी क्वालिटी के साथ ये दिया गया है, और इस तरह से नीचे मोती मोती भी लटके हुए हैं, तो ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगने वाला है। इसको आप ले सकते हो, ये बहुत ही प्यारा सा पीस है। और इसके जो इयररिंग्स हमें मिलेंगे वो भी बहुत प्यारे हैं, जो आप इसके साथ तो पहन ही सकते हो, बाकी सिंगल में भी आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट से मतलब अगर आप नेक पीस भी नहीं पहन सकते, पहनना चाहते ना, तो किसी भी ड्रेस के साथ नॉर्मली इसको पहन सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारा सा नेक पीस है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने मंगाया है वो है ये भी व्हाइट में ही है। तो व्हाइट में क्या है कि एक फायदा है कि आप किसी भी ड्रेस के साथ, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो ये
वाले डाल सकते हो। ये दो पीस अगर आपके पास होंगे ना तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो इन दोनों को पहन सकते हो आप। ये भी एक बहुत ही प्यारा सा पीस है, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दोनों ही इस तरह के बॉक्सेस में आपको रिसीव होंगे, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें बाद में रखने में बहुत आसानी होती है किसी भी नेक पीस को। तो ये जो है ये भी चोकर स्टाइल में ही है, ये आप देखोगे इस तरह से, ये पूरे मोती की लड़ियों के साथ इस तरह का ये बनाया गया है। ऐसे वेयर करने के बाद बहुत ही ज्यादा प्यारा लगेगा, मतलब किसी भी साड़ी के साथ, सूट के साथ भी, किसी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ये बारीक बारीक मोती के साथ वर्क किया गया है, यहाँ पे ये कुंदन वाला वर्क किया गया है, बीच में भी आप देखोगे ये स्टोन वर्क किया गया है। बहुत ही प्यारा सा पीस है, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग एक बेस्ट पीस है। ये पीस आपके पास जरूर होने चाहिए, दोनों इस तरह के पीस है और क्वालिटी इसकी भी सुपर्ब है, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ है। क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज इसके साथ नहीं किया गया है। इसको आप कितने भी लॉन्ग टाइम तक पहनोगे खराब नहीं होगा। इसके जो इयररिंग्स आपको मिलेंगे वो कुछ इस तरह के मिलने वाले हैं, ये हैं इसके इयररिंग्स, इस तरह की इयररिंग्स मिलेंगी। ये आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे से इयररिंग्स हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छा सा लुक देंगे। इसके साथ एक रिंग भी मिलती है जो कि है ये। तो इस प्राइस में आपको रिंग, इयररिंग्स और नेक पीस सारी चीजें मिल रही हैं, बहुत ही प्यारी सी डील है। ये भी आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए, अगर आपको वेडिंग सीजन के लिए कोई इस तरह का पीस चाहिए तो आप किसी भी फंक्शन में इसको इजीली वेयर कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा कलेक्शन, आई होप कि ये हॉल आप लोगों को पसंद आया होगा, इसमें से कुछ ना कुछ आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो हेल्पफुल हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी आपको पसंद आया है लिंक के थ्रू आप मंगा सकते हो, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को चेक जरूर कीजिएगा, आई होप कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए See you, take care. Bye-bye. Amazon Great Indian Festival, live now.